को आप इजीली तीन स्टेप के अंदर आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने इसके अंदर कपड़े फिल कर दिए दोस्तों, यहाँ आपने डिटर्जेंट डाल दिया है, उसके बाद ये हमने टैप से कनेक्ट कर दिया मशीन, उसके बाद सिंपली से पावर ऑन करना है आपको, प्रोग्राम सेट करना है और सिर्फ स्टार्ट करना है। जो भी आपको प्रोग्राम अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग सेट करना है, P1, P2, P3 जो भी अपने को सेट करना है, उसके बाद में आप स्टार्ट, ये P1, P3 लिखा हुआ जाएगा, उसके बाद में सिर्फ ये स्टार्ट करना है, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि थ्री स्टेप के अंदर आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो कि काफी इजी टू यूज रहेगी। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर कोई आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करें और अगर आप उसे अपग्रेड होना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि इकोनॉमी रेंज के अंदर आ जाएगी दोस्तों, जिसके फीचर्स काफी बढ़िया होने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स का मानना है कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है वो काफी हाई रेंज के अंदर आती है, और इसके अंदर पानी यानी कि डिटर्जेंट और हमारा जो वाटर होता है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिलेंगे और क्या क्या इसके अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। वर्लपूल कंपनी की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें वर्लपूल का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इसका मॉडल नंबर भी हम मेंशन मिल जाएगा, व्हाइट मैजिक प्रीमियर। और इसकी कैपेसिटी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 7.5 kg की इसकी कैपेसिटी रहेगी, जो कि हमारे 5 से 6 फैमिली मेंबर्स के लिए सफिशियंट रहेगी दोस्तों। साथ ही हम बात करते हैं इसमें दोस्तों इसके ड्रम साइज की, तो ड्रम में साइज काफी बेटर मिल जाएगा दोस्तों। ड्रम में ही हमें मिल जाता है इसका वाटर इनलेट और ड्रेन आउट, ये दोनों इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। ड्रम का साइज काफी अच्छा मिल जाएगा, स्टेनल स्टील के अंदर इसका ड्रम होता है दोस्तों, जिसमें हाइजीनिक वॉश मिल जाती है दोस्तों। जैसे कि हम पहले से भी हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, स्टील के सामान हम इसलिए यूज करते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं बढ़ती है दोस्तों, साथ ही हाइजीनिक होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें प्रोग्राम्स की दोस्तों, इसके अंदर तो हमें प्रोग्राम भी काफी बढ़िया मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर प्रोग्राम में हम देखते हैं और किस तरह से हमें यूज करनी है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में सारी चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस मशीन को अगर आप पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करते हैं दोस्तों इसमें लाइट आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रोग्राम, तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम इसके अंदर प्री सेट होते हैं दोस्तों, तो जो भी आपको प्रोग्राम इसमें यूज करना है तो सिंपली आप प्रोग्राम पर हम क्लिक करेंगे तो P1, P2, P3 इस तरह से इसमें आपको वॉशिंग प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसमें 12, जैसे कि इसमें नॉर्मल है, हैवी है, डेलीकेटेड मिल जाएगा आपको, व्हाइट मिल जाएगा, स्टेन वॉश मिल जाएगा, इको वॉश मिल जाएगा, तो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप वॉश इसके अंदर आप कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली आप बस प्रोग्राम पर पावर ऑन करना है, प्रोग्राम आपको जो भी सेट करना है प्रोग्राम सेट करेंगे, सिंपली आपको स्टार्ट करना है दोस्तों, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही हम दोस्तों देखते हैं तो जो भी हमारे प्रोग्राम रहेंगे, यानी कि आप जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करते हैं आप इस मशीन को एज अ सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरह भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब वो किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको वही बता देता हूँ। प्रोग्राम में आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो P9 जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिंस और ड्राई, इन दोनों को आप जैसे साथ में जैसे P9 आप क्लिक करेंगे तो P9 यहाँ लिखा हुआ जाएगा, यानी कि प्रोग्राम 9। जैसे आप प्रोग्राम 9 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ लाइट जो रहेगी ब्लिंग आपकी रिंस और ड्राई पे ही ओनली ऑन है, यानी कि मशीन सिर्फ रिंस करेगी और ड्राई करेगी दोस्तों, और फिर मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। साथ ही यानी कि हम एज अ सेमी ऑटोमेटिक तरीके इस मशीन को यूज कर सकते हैं। अगेन आप प्रोग्राम पे प्रेस करेंगे तो ओनली ड्राई करेगी, यानी कि अगर हम अपने कपड़े अपने हाथ से वॉश कर रहे हैं, रिंस कर लिया अपने हाथ से, ओनली ड्राई करना है तो ओनली ड्राई भी आप इस मशीन के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप देखेंगे तो पी अगर प्रोग्राम और चेंज करेंगे, जैसे कि ये तो आप ना P10, P11 करेंगे ओनली वॉश करेगी मशीन, यानी कि ड्राई आपको बाहर करना है, यानी सुखाना आपको बाहर है, रिंसिंग आप बाहर कर लेंगे, ओनली वॉश करना है इस मशीन के अंदर तो ओनली वॉश भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कपड़े आपके हैं यानी कि एक ही सर्फ के अंदर आप दो बार कपड़े अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो आप इस मशीन के अंदर वो भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे अभी मानसून का टाइम चल रहा है तो हमारे कपड़े थोड़े गीले रहते हैं, यानी नमे रहते हैं, तो आप उन कपड़े को भी ड्राई कर सकते हैं दोस्तों, ओनली ड्राई करना है तो ड्राई भी कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इस मशीन में हमें 2 डिजिट का पैनल मिल जाएगा, जो स्क्रीन मिल जाएगी, क्योंकि पूरा एक कस्टमाइज पैनल है, आप अपने अकॉर्डिंग इस पैनल को यूज भी कर सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं तो इसमें मिल जाएगा एक्सप्रेस वॉश का बेनिफिट ये होता है कि सपोज आपका जो प्रोग्राम है वो 60 मिनट का है तो ये आपको 50% कम टाइम के अंदर आपको सारा काम करके दे देगी, यानी 30 मिनट में आपको वॉश, रिंस एंड स्पिन सब कुछ मिल जाएगा। बस इसके अंदर छोटी सी टर्मेंट कंडीशन रहती है, उस चीज का थोड़ा ख्याल रखें दोस्तों। ये मशीन जो 7.5 kg की है, आप इसके अंदर हाफ वेट पे मशीन वर्क करेगी,
जो एक्सप्रेस वॉश वर्क करता है दोस्तों, यानी कि जो 7.5 किलो का हम जो बात करते हैं ये ड्राई क्लोथ्स का वेट होता है दोस्तों। तो इसके अंदर आप 3-3.5 किलो का कपड़े आप आसानी से इसके अंदर एक्सप्रेस वॉश के अंदर भी आप वॉश कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसमें हमें वाटर लेबल मिल जाएगा, यानी आप अपने अकॉर्डिंग वाटर लेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक आपके कपड़े के अकॉर्डिंग सेंस करके ऑटोमेटिक ये वाटर फिल कर लेगी। साथ ही लो, मीडियम, हाई एंड मैक्सिमम इसके अंदर हमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लाइट भी आपकी यहाँ पे ब्लिंक करती रहेगी दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो इसमें हमें मिल जाएगा दोस्तों डिले टाइम का बेनिफिट ये होता है कि बहुत सी जगह टाइम के अकॉर्डिंग ही पानी आता है, यानी कि आप लेट नाइट आते हैं और सुबह पानी 5 बजे आ जाता है, तो इसके अंदर 3 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक का आप इसके अंदर डिले टाइम लगा सकते हैं। यानी कि अगर सुबह 5 बजे पानी आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें आप डिले टाइम लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली मशीन वाटर लेगी, आपने कपड़े डाल के सिर्फ छोड़ देना है, ऑटोमेटिक मशीन पूरा काम करेगी और ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर 3 घंटे से लेकर के 24 घंटे के इसमें आपको डिले टाइम भी मिल जाएगा इस मशीन के अंदर। मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह से वर्क करेगा ये। जैसे आप डिले टाइम पे क्लिक करेंगे तो 3 घंटे से स्टार्ट हो जाएगी, फिर 1-1 घंटे करके ये टाइम बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइम भी लगा सकते हैं दोस्तों, डिले टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही हम देखते हैं तो जैसे कि घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सपोज हमने प्रोग्राम लगा दिया है तो बच्चे जो बटन प्रेस करेंगे तो आपका वॉशिंग क्वालिटी बेटर नहीं मिलेगी, तो आप उस कंडीशन के अंदर आप इसमें चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं। ये दोनों बटन आपको 3 सेकंड तक प्रेस रखने हैं तो जो आपका पूरा पैनल होगा ये पूरा पैनल लॉक हो जाएगा। अनलॉक करने के लिए अगेन आपको 3 सेकंड ये दोनों बटन प्रेस रखने हैं तो चाइल्ड लॉक हट जाएगा दोस्तों। साथ ही हम देखते हैं तो ये जो मशीन रहेगी व्हर्लपूल कंपनी हार्ड वाटर में वर्क करेगी, यानी जहां खारा पानी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो उसके अंदर क्या होता है जो हमारी जो मशीन होती है खारे पानी में वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, लेकिन ये मशीन वहां भी अच्छे से वर्क करेगी दोस्तों। इसका यूज इस तरह से करना है कि यानी कि पावर ऑन करने के बाद जो भी आपने प्रोग्राम इसके अंदर सेट किया है उसके बाद सिर्फ ये हार्ड वाटर वाला आप प्रेस करेंगे दोस्तों। हार्ड वाटर प्रेस करते ही दोस्तों ये मशीन हार्ड वाटर यानी कि खारे पानी के अंदर भी वर्क इजीली करेगी, कपड़े में क्वालिटी काफी बेटर मिलेगी। बस एक चीज का ख्याल रखना है दोस्तों, हार्ड वाटर वाला जब भी हम यूज कर रहे हैं आप थोड़ा डिटर्जेंट ज्यादा डाल के चले, कपड़ों के अकॉर्डिंग 1/2 स्कूप या 1 स्कूप इसके अंदर ज्यादा डिटर्जेंट इसके अंदर एड करके चले दोस्तों। ये मशीन हार्ड वाटर के अंदर भी इजिली वर्क करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके हैंडल की, तो क्रोम डिजाइनिंग हैंडल के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर क्रोम डिजाइन के अंदर मिल जाएगी और ये ब्रेजललेस डिजाइन रहेगा दोस्तों। इसका जो ग्लास रहेगा वो टफंड ग्लास के अंदर रहेगा और ब्रेजललेस रहेगा दोस्तों बिल्कुल, यानी कि टफंड ग्लास है, हैवी वेट भी आप इसके ऊपर रख देंगे तो टूटेगा भी नहीं दोस्तों, और आप ऊपर से अपने कपड़े देख भी सकते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा दोस्तों इसका, जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया रहेगी। साथ में हम देखते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हम आपको यहाँ से डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, और सॉफ्टनर अगर आप यूज करते हैं तो सॉफ्टनर डायरेक्टली आप यहाँ फिल कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो ड्रम रहेगा, ड्रम का साइज काफी बढ़िया रहेगा दोस्तों, इसमें वॉशिंग क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाएगी। इसके अंदर स्प्रो वॉश टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो आपके कपड़े रहते हैं दोस्तों ये हाई टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, कपड़े जब इससे रगड़ते हैं तो वॉशिंग क्वालिटी काफी प्रीमियम मिल जाती है। और इसके अंदर स्मार्ट लिंट फिल्टर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि इसके जो पल्सेटर रहेगा उसके नीचे दाएं और बाएं यानी कि दोनों तरफ एक एक इसके अंदर लिंट फिल्टर रहेंगे, दो लिंट फिल्टर मिल जाएंगे जो कि स्मार्ट लिंट फिल्टर होते हैं। इस ये जो आपका पल्सेटर लगा होता है इसके नीचे की तरफ वो लगे हुए होते हैं दोस्तों, और ये मशीन फुल्ली सेंसर बेस्ड है दोस्तों, यानी कि ये जो मशीन रहेगी पूरी सेंसर पे वर्क करती है। देखेंगे तो इस मशीन के अंदर आपको 2 सेंसर काफी बढ़िया मिल जाएंगे, जो काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। एक मिलेगा आपको चेक वाटर का दोस्तों, दूसरा मिलेगा आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। चेक वाटर का बेनिफिट दोस्तों इस तरह से मिलता है कि मशीन सपोज दैट जैसे कि आपने मशीन चालू कर दी और इस मशीन के अंदर 15 मिनट तक अगर कोई पानी नहीं पहुंचेगा तो मशीन ऑटोमोड पर बंद हो जाएगी, चालू नहीं होगी दोस्तों मशीन। साथ में आप देखेंगे दूसरा तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। इसका बेनिफिट इस तरह से मिलता है दोस्तों कि कहीं कहीं किसी किसी एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो एक एरर कोड शो कर देगी ये मशीन। इसके अंदर आपको सेंसर्स भी मिल जाएंगे, साथ ही ये मशीन 50% फास्टर फिलअप करेगी दोस्तों, यानी कि कहीं हम जो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो हमें वाटर का ना प्रेशर चाहिए होता है, तो ये मशीन 0 प्रेशर टेक्नोलॉजी के साथ में बनी हुई है, यानी कि प्रेशर अगर पानी का नहीं है ये तब भी मशीन इजीली वर्क करेगी। 0.17 bar का भी अगर प्रेशर है तब भी मशीन इजीली वर्क करेगी, यानी कि 4 से 5 फीट भी अगर टंकी रखी हुई है तब भी मशीन ये कंटिन्यूसली वर्क करेगी दोस्तों, इस मशीन की मोटर पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। साथ ही हम देखते हैं तो इसकी जो मोटर रहेगी काफी पावरफुल मोटर रहेगी दोस्तों, जिसकी वजह से आपको वॉशिंग क्वालिटी काफी बेटर मिल जाएगी। साथ ही हम देखते हैं तो ये मशीन मिल जाती है हमें 5-star रेटिंग के अंदर, जो कि पावर भी बहुत कम कंज्यूम करती है दोस्तों। एक पर साइकिल के अंदर
पर केजी का ये इतना लाइट कंज्यूम करेगी, 0.0118 यूनिट ये कंज्यूम करेगी दोस्तों। और ये नया वाला मॉडल है दोस्तों 2023 का। साथ में हम देखते हैं तो इसका जो मॉडल नंबर रहेगा दोस्तों, ये मॉडल नंबर आ जाएगा WA75M5S 2023 का। टॉप लोड वॉशिंग मशीन रहेगी, 7.5 केजी की दोस्तों मशीन रहेगी। साथ ही हम देखते हैं तो इसकी जो मोटर रहेगी, कंपनी उस पर 10 साल की मोटर पर वारंटी दे रही है। साथ ही प्राइम मूवर की 10 साल की मोटर, ये साथ में प्राइम मूवर की भी 10 साल की वारंटी मिल जाएगी आपको, जो कि होम सर्विस प्रोवाइड रहेगी। पावरफुल मोटर रहेगी जो कि 360 वॉट के अंदर रहेगी, जो कि हाई टर्बुलेंस क्रिएट करती है और आपको वॉशिंग क्वालिटी काफी। और दोस्तों इस मशीन का नॉइस लेवल भी कम है, जैसे कि मैंने ये मशीन रन करके भी देखी है दोस्तों, तो इस मशीन का ना नॉइस लेवल भी बहुत कम रहेगा दोस्तों। और कलर भी काफी अच्छा है इस मशीन का दोस्तों, ग्रे कलर के अंदर कम्प्लीटली ये मशीन आ जाएगी दोस्तों, जो कि कलर भी बहुत कम ही गंदा होता है दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो ये मशीन काफी प्रीमियम प्रोडक्ट रहेगी दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही मतलब कि रीजनेबल कॉस्ट के अंदर ही वॉशिंग मशीन आ जाएगी, तो दोस्तों इस बात करते हैं फाइनली इस प्रोडक्ट की कॉस्ट की, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट आ जाएगा 15,000 का और ये 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन रहेगी दोस्तों, जो कि 15,000 की आ जाएगी। इस रेंज में अगर आप कोई देखते भी हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है 8 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसी रेंज में आपको मिल जाएगी फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि प्रीमियम फीचर्स के साथ में आ जाएगी, प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आ जाएगी और इसके अंदर वारंटी भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। और ये मशीन इजी टू यूज है, इस मशीन को आप कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इजी 3 स्टेप के अंदर आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम कंपेयर करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से, तो ये लेस वाटर कंज्यूम करेगी, लेस डिटर्जेंट कंज्यूम करेगी और वॉशिंग क्वालिटी आपको प्रीमियम मिलेगी इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ पल्सेटर वर्क करता है और टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर पल्सेटर के साथ साथ ड्रम भी मूवमेंट करता है, इसलिए इसके अंदर आपको वॉशिंग क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंसेस से जुड़ी हुई जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।